जो हाई आउटपुट कार्डियक फेल्यूर क्रिएट करते हैं, जैसे हम लोग पहले पढ़ रहे थे हाइपर थायराइडिज्म, ये हाइपर थायराइडिज्म। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा सीवियर एनीमिया, सीवियर एनीमिया। और हम लोगों ने देखा था प्रेगनेंसी में, खासकर जब ट्विंस हो, प्रेगनेंसी में हम लोग पढ़ रहे थे। और प्रेगनेंसी के बाद आते हैं कुछ कॉजेज और हैं, जैसे एक डिजीज है, एक डिजीज है जिसमें रीजनरेशन और डीजनरेशन प्रोसेस, सेलुलर रीजनरेशन और डीजनरेशन प्रोसेस ज्यादा तेज होता है, जैसे मेटाबॉलिक, जैसे जो इनका टर्निंग है बनना और खत्म हो जाना, फिर से बनना फिर से खत्म हो जाना, जल्दी एज बढ़े, जल्दी खत्म हो, फिर से बने, ऐसे प्रोसेस, जल्दी रीजनरेट हो, फिर से डीजनरेट हो जाए, फिर से रीजनरेट हो। तो जो एक इनका एक एज लिमिट है, उस एज लिमिट को पूरा ना करके जल्दी ही समाप्त हो जाए और फिर से नए बने। तो ये जो जल्दी टर्नओवर हो रहा है इनका सेल्स का, ऐसे डिजीज है पेजेट्स डिजीज, इसको कहते हैं पेजेट्स। पेजेट्स साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस डिजीज को डिस्क्राइब किया था, तो इन्होंने अपने ही नाम पे रख दिया डिजीज का नाम। पेजेट्स डिजीज, इसमें होता है सेल्स, जो सेल्स टर्न ओवर्स इज वेरी फास्ट, सेल्स टर्न ओवर्स, सेल्स टर्न ओवर्स इज वेरी फास्ट, ये बहुत ही जल्दी जल्दी बनते हैं और समाप्त हो जाते हैं। इनको आप कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म भी कहते हैं। क्या होता है सेल्स का कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म बहुत तेज होता है, वेरी फास्ट कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, वेरी फास्ट कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। जैसे अगर हम लोग ऑस्टियोसाइट्स को लें, ऑस्टियोसाइट्स बोन की जो सेल्स हैं, तो ये बहुत जल्दी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्शन इसमें हो और बहुत ही जल्दी ऑस्टियोब्लास्टिक एक्शन हो, दोनों में अंतर क्या है, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्शन और ऑस्टियोब्लास्टिक एक्शन बताएगा, ऑस्टियोक्लास्ट एक्शन क्या है और ऑस्टियोब्लास्ट एक्शन क्या है। तो ये जो सेल्स टर्न्स ओवर्स इज वेरी फास्ट कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म, मतलब सेल का जल्दी से टूटना और सेल का जल्दी से बनना, ये जो जल्दी जल्दी होते रहते हैं, इसमें एनर्जी की जरूरत ज्यादा लगती है, क्योंकि जब भी माइटोसिस होती है, सेल्स जब डिवाइड होते हैं, जल्दी जल्दी बनते हैं, जनरेट होते हैं नए नए, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है शरीर को। इस एनर्जी को प्रोवाइड कराता है ब्लड। अब नॉर्मली अगर एक सही समय पर उनकी डेथ हो और अपनी और एक सही समय पर वो नए सेल्स बनते हैं और अपनी पूरी लाइफ, जितनी भी उनकी लाइफ स्पैन है, उसको ख़त्म करने के बाद फिर से डेथ होती है, तो उसके लिए एक नॉर्मल ब्लड
क्वांटिटी चाहिए उनको एनर्जी प्रोवाइड कराने के लिए। लेकिन अगर वो जल्दी जल्दी ख़त्म होना शुरू कर देंगे और नए सेल तुरंत बनेंगे तो उसके लिए फिर जल्दी जल्दी ब्लड सप्लाई चाहिए होता है। इस ब्लड सप्लाई को पूरा करने के लिए कार्डिया को हाई आउटपुट फंक्शन करना पड़ता है, हाई आउटपुट एक्शन करना पड़ता है, और इसीलिए जो पेजेट्स डिजीज़ है इसको हाई आउटपुट कार्डियक फेलवर का एक कारण माना गया कि कार्डिया को रेगुलर ज़्यादा क्वांटिटी में ब्लड पंप करना पड़ता है बॉडी के सेल्स को, क्योंकि उनको बहुत ही फास्ट कैटाबॉलिज्म और मेटा एनाबॉलिज्म एक्शन करने पड़ते हैं, बहुत ही फास्ट सेल्स टर्न ओवर हो रहे होते हैं, समाप्त होते हो रहे होते हैं और नए बन रहे होते हैं, चेंजेस उस सेल्स में बहुत तेज होते हैं। तो एक कारण है पेजेट्स डिजीज जिसके कारण ब्लड सप्लाई ज़्यादा करनी पड़ती है। कुछ कारण और हैं जैसे एवी फिस्टुला, एवी फिस्टुला मतलब आर्टीरियो वेनस फिस्टुला, आर्टीरियो वेनस फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब क्या है? फिस्टुला का मतलब क्या है? फिस्टुला क्या है? फिस्टुला क्या है? फिस्टुला कोई बताएगा? कुछ कोई नहीं बताएगा? तुम लोग अपना पूरा नॉलेज संभाल के रखना चाहते हो, किसी को नहीं बताना चाहते। फिस्टुला, चलो मैं बताता हूँ, किसी भी एक रास्ते को दूसरे रास्ते से जोड़ने वाले तीसरे रास्ते को फिस्टुला कहते हैं। सिंपल सी बात, किसी भी एक पार्ट को दूसरे पार्ट से जोड़ने के लिए जो भी एक रास्ता नया बन जाता है इसको फिस्टुला कहा जाता है। जैसे ये रूम है और यहाँ रूम है, इस रूम में नॉर्मली अगर जॉइंट ना हो और ये जॉइंट कुछ ऐसा बन जाए कि यहाँ से यहाँ आया जाया जा सकता है तो इसको फिस्टुला कहते हैं। फिस्टुला क्या है? ये है नया रास्ता, एक रास्ते से दूसरे रास्ते में जोड़ने का एक नया रास्ता। अब ये रास्ता हो सकता है किसी ऑर्गन में खुले जाकर, किसी स्पेस में खुले, या हो सकता है बाहर एटमॉस्फेयर में खुले। तो एक जो नया रास्ता है जो एक स्पेस से दूसरे स्पेस को मिलाता है उसको हम लोग कहते हैं फिस्टुला। यहां पर जो आर्टीरियो वेनस फिस्टुला है तो इसके शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या क्या किसके बीच में रास्ता बन जाएगा, किसके बीच में रास्ता बन जाएगा, क्या लगता है? आर्टरी और वेन के बीच में, आर्टरी और वेन के बीच में। आर्टरी और वेन नेचुरली सिर्फ एक ही पॉइंट है जहां पर मिलते हैं, कैपिलरी लास्ट पॉइंट है जहां पर ये दोनों आपस में मिलते हैं और आदान प्रदान करते हैं। लेकिन अगर कहीं रास्ते में ही अननेचुरल फिस्टुला हो, अननेचुरली एक रास्ता जनरेट हो जाए, जैसे जरूरी क्या है कि अगर कार्डिया आपका यहां से पंप करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करता है, तो ये ब्लड यहां तक आना चाहिए, कहां तक? सेल तक। ये ब्लड आना चाहिए सेल तक, क्योंकि जो यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है ये सेल के लिए आया है, और फिर सेल इस ऑक्सीजनेटेड
ब्लड को कंज्यूम करता है, उसके बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से कार्डिया में डाल दिया जाता है। ये साइकिल है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो यहाँ से, ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ आने चाहिए, और जितना भी ऑक्सीजन है कंप्लीट ऑक्सीजन यहाँ आना चाहिए। जितना भी ब्लड है कम पूरा का पूरा ब्लड यहाँ आए, और यहाँ से उसके बाद यहाँ से पास होकर कार्डिया पे आए। लेकिन अगर बीच में सोचो कोई फिस्चुला जनरेट हो जाए, यहां से सीधे जॉइंट हो जाए, जो कि यहां कैपिलरी पॉइंट पर होना चाहिए, यहां क्या होता है, यहां कैपिलरी होती है सेलुलर लेवल पे, ये दोनों कैपिलरी हो जाते हैं, ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं ऐसे, ये कैपिलरी पॉइंट है। लेकिन अगर बीच में ही कोई एक रास्ता बन जाए, अननेचुरल वे है, अननेचुरल रास्ता बने, तो जितना भी O2 यहां से आता था, अब ये सारा O2 हो सकता है सेल में ना आकर कुछ क्वांटिटी में इधर भी चला आए ब्लड। तो अगर मान लेते हैं कि एग्जांपल कि 1 2 3 1 2 3, मान लेते हैं 4 3 O2 आपको यहां मिल रहे हैं, 3 O2 आपको सेल तक आने चाहिए थे, लेकिन इसमें से अगर एक O2 इधर डायरेक्शन चला गया, 2 O2 यहां आ गए, तो एक O2 सेल तक नहीं आएगा, जबकि इसको भी सेल तक पहुंचना चाहिए था। अब ये O2 धीरे धीरे वेनस साइड आ जाएगा, ये वाला, और ये फिर से बिना सेल तक पहुंचे ही ये फिर से कहां आ जाएगा, कार्डिया में। समझ में आ रही है बात? अब ये O2 अगर कार्डिया में आ जाएगा तो सेल के पास आपको क्या होगा, हाइपोक्सिया होगा, क्योंकि सेल के हिस्से का O2 जो वहां तक आना चाहिए था वो सेल पर ना आकर वो फिर से कार्डिया में आ गया। अब सेल में ऑक्सीजन की कमी होने लग जाएगी, जबकि इसमें कार्डिया की कोई गलती नहीं थी। लेकिन अगर यहां से ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो वही फिर से होगा कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को सेलुलर फीडबैक जाएगा कि इसको हाइपोक्सिया हो रहा है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कार्डिया को फीडबैक देगा कि क्यों हो रहा है ऑक्सीजन की कमी सेल्स को, और कार्डिया अपना रेट बढ़ाएगा, अपना जो वॉल्यूम है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। और रेगुलर अगर ऐसा होता रहा तो बहुत दिनों तक ऐसा नहीं चल पाएगा और कार्डिया फेल होगा। डिपेंड करता है कि ये जो फिस्चुला है ये कितना है, इसका एरिया कितना है, कितना ब्लड यहाँ से यहाँ डायरेक्ट शिफ्ट हो जा रहा है बिना सेल तक पहुँचे। अगर थोड़ा बहुत है तो काम चल सकता है, अगर ज़्यादा होगा तो सेल्स में ज़्यादा हाइपोक्सिया होगा, और ये सेल न्यूरॉन भी हो सकता है, कार्डियोसाइट भी हो सकते हैं, इवन बॉडी के जितने भी सेल हैं सारे हो सकते हैं, तो सबके पास हाइपोक्सिया होगा और सिम्टम्स आएंगे, इसको भी हम लोग क्या कहते हैं। लेकिन कार्डिया हाई आउटपुट कर रहा होगा ब्लड का, कार्डिया हाई आउटपुट कर रहा होगा क्योंकि फीडबैक सिस्टम है, हाई आउटपुट करने के बाद भी कार्डिया कंप्लीट O2 सेल्स तक नहीं पहुंचा पाते हैं, इसलिए, और इन डेफिनेशन कार्डियक फेलियर के डेफिनेशन में हम लोग पढ़ के आए हैं कि अगर सेल में सफिशियंट ब्लड सप्लाई ना हो पाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्डियक फेलियर। तो हाई आउटपुट करने के बाद भी कार्डिया क्या है, फेल है। क्लियर? फिस्चुला एनाटॉमिकल एनोमलीज हैं, इसके अपने कोई कॉज नहीं है, सब अप्राकृतिक रचनाएं हैं, कोई ऐसी पैथोलॉजिकल
प्रोसेस नहीं है, ये सब अप्राकृतिक रचनाएं हैं, एनोमलीज कहते हैं इनको। क्या होता है, हाँ फिस्टुला बनाया भी जाता है बहुत बार ट्रीट करने के लिए, कि ब्लड शिफ्ट करने के लिए डायरेक्टली, हम लोड नहीं देना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर सेल पर, ऑपरेशन हो रहा होता है उस एरिया में तो हम लोग शिफ्ट कर देते हैं ब्लड को, तो वो तो उतनी देर तक अंडर केयर होता है पेशेंट। लेकिन अगर जो पैथोलॉजिकल फिस्टुलाज होते हैं वो अंडर केयर पेशेंट नहीं होते हैं, उनको अपने बॉडी से खुद रेगुलेट करना पड़ता है, फिस्टुला बनाए भी जाते हैं। तो ये इतने सारे कॉजेस थे जो हाई आउटपुट हार्ट फेलियर के कॉज थे। बात करते हैं लो आउटपुट हार्ट फेलियर। लो आउटपुट हार्ट फेलियर, लो आउटपुट हार्ट फेलियर है कि अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि कार्डिया हाई आउटपुट ब्लड हाई आउटपुट देने की कोशिश करता रहता है, लेकिन ये जो हार्ट फेलियर है यहां लो आउटपुट होता है। इसके कारण कौन कौन से जो आउटपुट होगा, लो आउटपुट का मतलब है कि आउटपुट तो हो सकता है कि नॉर्मल हो या आउटपुट कम हो सकता है, लेकिन जो हार्ट है वो अनेबल है, जो हर्ट है वो अनेबल है मेंटेन करने के लिए कार्डिक फिर से ब्लड को। कुछ कॉजेज हैं इनके, जैसे सबसे पहला कॉज कि कार्डिया ब्लड पंप कर ही ना पाए। अब तक हो रहा था कि ब्लड पंप हो रहा था लेकिन सेलुलर एरिया पर कोई ना कोई प्रॉब्लम थी जिसके कारण हाइपोक्सिया हो जा रहा था, ब्लड कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। यहाँ क्या है, यहाँ लो आउटपुट है, कार्डिया पंप कर ही नहीं पाता है। जैसे सबसे पहला कारण अगर हम लोग कहें तो मैस्कुलर वीकनेस, जहां पर ये आउटपुट ही मेंटेन ना हो पाए, आउटपुट ही मेंटेन ना हो, जैसे मैस्कुलर वीकनेस। अब मैस्कुलर वीकनेस में जैसे MI मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता क्या है कि ये जो मसल्स हैं, कार्डियोसाइट्स हैं, ये एक एक सेल्स इम्पॉर्टेंट हैं इस मसल को स्ट्रांग बनाने के लिए, क्योंकि सबके पास अपना अपना पॉइंट है, अपना अपना एनर्जी है, अपनी अपनी एक्शन पोटेंशियल है। ये जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिस्टोल करते हैं, तो जरूरी है कि जितने सेल हैं सारे एक साथ सिस्टोल करते हैं करें और सारे एक साथ एक ताकत लगाते हैं, एक फोर्स लगाते हैं, तो जब जितने भी सेल हैं सब लोग एक साथ मिलकर, जैसे ये है, ये एक सेल हो गया, ये दूसरा सेल हो गया, ये तीसरा सेल हो गया, ये चौथा, ये पांचवा, ऐसे जितने भी सेल हैं ये जितने भी सेल हैं सभी लोग जिंदा हैं और सभी लोग अपनी अपनी तरफ से फोर्स जनरेट करते हैं जिनके कारण ब्लड पंप होता है। जैसे ये भी सेल्स हैं, ये भी है, यहां से तो इधर के सारे सेल हो गए, फिर नीचे से भी है, यहां से भी है। अब होता क्या है कि जितने भी लोग हैं सब लोग अपने आप को जब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं एक साथ तो पूरी की पूरी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, और इसमें डायस्टोलिक पीरियड में जितना भी ब्लड यहां पर फिल हुआ था, वॉइस ऑफ करो किसी का ऑन है, तो ये जो डायस्टोलिक पीरियड में जितना भी ब्लड यहाँ फिल होता है, जरूरी है कि जब सिस्टोलिक पीरियड हो कि तो जितने भी कार्डियोसाइट हैं ये सारे एक्शन पोटेंशियल इनके पास जाए
और ये जितने भी